वन सो टुडे वी विल बी गोइंग एहेड इन सांस्कृट विथ त्र पुषा तय पुरुषा ओके द्री पर्सन ओके ऑल द थ्री पर्सन्स नाउ हियर यू सी द बॉय इज द गर्ल इज आस्किंग अहम तान्वी अस् मीन्स आई एम तान्वी मैं तानवी हूँ व कसी तुम कौन हो तम यू बिकॉज़ अ सिंगल पर्सन कहा अगेन सिंगल पर्सन कह असि तुम कौन हो तत किम अस्ति वो क्या है तत दैट ओके okay. तत किम अस्ति व्हाट इज दैट द बॉय इज टेलिंग अहम नीलाश अस्मि नीलेश अस्मि सो so, मैं कौन हूं मैं नीलेश हूं ऐशा द्विचक्रिका अस्ति द्विचक्रिका इज बाइकल सो ये बाइसाइकल है दिस इज बाईसाइकिल द्विचक्रिका अस्थि फाइन सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री वेदर इट इज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वो कैसे जाते हैं जैसे हमने पहले देख चुके हैं वी वी हैव हैव सीन सीन अर्लियर हाउ वर्ब्स वर्क धातु रूप हाउ नाउंस वर्क शब्द रूप सो so इसे मिला के हम जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसे करने वाले हैं ठीक है तो हम यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे हम प्रथम पुरुष के बारे में अगर बात करेंगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन है कैसे अश्व एक वचन अश्व अश्व अश्वाहा अश्वा वो प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष अश्व अश्व अश्वाहा ये है पुलिंग में पुलिंग में हम लोग देखे थे नर नारा, नरउ नराह वैसे ही अश्व अश्व अश्वाह हम लोग जब धातु रूप का देखे थे तब हम लोग देखे थे सह तव ते सो पुल्लिंग में सह तव सो सह अश्व तव अश्व ते अश्वाह सो जब भी हम बोलेंगे सह अश्व अस्ति, तौ अश्वौ ते अश्वः तह ठीक है सिमिलरली व्हेन आई कम टू स्त्रीलिंग तो हम क्या देखते हैं लताऊ लते लताहा लतौ लते लताहा अगर हम लोग देखेंगे लता सा लते ते लताहा ताहा तो जब भी हम लोग वहाँ पढ़े थे स्त्रीलिंग में साते ताहा अगर याद ना हो तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है आप देख सकते हो नपुंग सकलंग में हम लोग देखे तत्ते तानी वहाँ पे हम लोग देखे थे फलम फले फलानी सो तत् फलम ते फले तानी फलानी ओके सो दिस इज हाउ इट गोज अक्रॉस नेक्स्ट When I say now if I go into the into the sentence formations, you can see here. I am coming to the sentence formation and you can see here. Okay. Fine. I am Kaha Asti. So I am meh. Kaha asti. Kano? I am Kaha Asti. I am David. Asti. Main David aha asti. Meh David ho. Saha likhati. सह हम लोगों ने देखा था सह लिखती ठीक है सिमिलरली द्विवचन में हम लोग देखे तव ईत कौस्तः ईत और इम अश्वस्त एंड तव धवत धवतः धावत तो ये हम लोग पहले भी शब्द रूप में देखे देख चुके हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोग बहुवचन में जब जाएंगे ई और ई में ईते के संति ईते ते सैनिक संति एंड ते तो हम लोग पहले देख चुके हैं अगर हम लोग यहाँ देखेंगे कह कौ के हम लोग देख चुके थे सो कह एक वचन कौ के अस्ति सह संति हम लोग ये भी देख चुके थे अस शब्द रूप में अस्ति स्थ सी सो so, और एष शब्द रूप में एशे ए एष एतव एते ये भी हम लोग देख चुके थे एशव एते एते तो ऐसे करके चलते कह अस्ति एतव कौ स्तः एंड एते के संति, सो so, ये तीनों रूप को मिला के हम लोग सेंटेंस वी गोइंग टू मेक सो so, यहाँ पे भी अस्ति सही यही चले चलेगा तीत अंति जब भी हम शब्द रूप में देखे हैं सह लिखती तौ धावत ते रक्षन्ति स्त्रीलिंग में आए तो हम लोग देखे थे एशा ए एतेता सो so, एशे आ, अस्ति ओके okay. एते के अस्ति अस्त के, के, का, का के कांड का का so, का, यहाँ पे का so, एशा का थी? थी के अस्था एंड एता कहा सी फ एक आलिशा अस्ती सारिकेस्ता कन्या सी सागायति सा गायतीजता एंड ते क्रीडन्ति सो दिस गोइंग अकॉर्डिंगली जो भी शब्द रूप हमने पहले देखे हैं उसी को मिला के हम लोग तीनों को मिला के जो शब्द रूप में लाया जा रहा है नपुम सकलिंग में भी हम लोग देखे थे अः एतत, एतत या इदम अस्थि स्तः संथि यह हम लोग भी नपुम सकलिंग में भी देखे थे अस्थि ते संथि ठीक है जब हम किम का जाएंगे तो नपुंसक लिंग में वो क्या है किम का है किम केन कानी किम का क्या है किम केन कानी ठीक है तो हम लोग यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किम केन कानी तो यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं किम ये हो गया केन एंड यह हो गया कानी ठीक है कानी सो so, एतत किम अस्ति एते खेन असकेन सह एंड एतानी कानी सन्ति फाइन सो ये ऐसे जाएगा ये क्या है एतत किम अस्ति एते केना केन सह एंड एतानी कानी सन्ति एतत पुष्पम अस्ति एते आम्रस्थ एंड एतानी पत्राणि सन्ति ये नपुंसकलिंग है तथ विकसति वो तथ तथ हम लोग देखें तानी तो तत ते मधुरे विकसती एंड तानी पतन पतन्ति ठीक है फॉलिंग पतन्ति तो ये रहा प्रथम पुरुष में हम लोगों ने देख लिया है प्रथम पुरुष में हम लोग एक वचन में देखे कह कऊ कान के स्त्रीलिंग में का के कहा और नपम सकलेंगे किम केन कानी सिमिलरली जब हम अस्थि के बोल रहे अस्तिस्तः संति अस्थिस्तः संति एंड अस्थिस्तः संति ठीक है तो हम लोग वैसे ही चलते रहेंगे ऑल राइट right? इतना तक सबको समझ में आ गया होपफुली देर इज नो डाउट ऐसे ही हम लोग जाएंगे मध्यम पुरुष अगला वाला क्या है मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष में क्या है मध्यम पुरुष में हम लोगों ने क्या देखा है मध्यम पुरुष में हम लोगों ने जब धातु रूप देखा है तो हम लोग क्या देखे आह औ आहा ठीक है जब हम लोग धातु रूप देखे हैं स्त्रीलिंग का धातु रूप जब देखे हैं मध्यम पुरुष में तब तो हम लोग मध्यम पुरुष में हम लोग आ, क्रिया या आ, इस रूप को ओके तो मध्यम पुरुष में हम लोगों ने क्या देखा है तवम चित्रकार सी सी था, था चित्रकार असी युवाम युवोत बोध युवाम धावक स्थ एंड यूयम बालिका स्थ ठीक है तो हम लोगों ने देखें तव युवाम यूयम मतलब यु। मतलब मतलब तम मतलब यू युवा मतलब युवोत बोध मतलब तुम सब यू ऑल ओके एंड सिमिलरली तव चित्र रचयसी युवाम धावत यूएं हसत तो हमें सारे शब्द रूप या धातु रूप को ऐसे बैठाना है ताकि वो करेक्ट हो ग्रामेटिकली इट नीड्स टू बी करेक्ट सो वी हैव अर्लियर स्टडीड अबाउट द शब्द रूप एंड द धातु रूप नेक्स्ट वेन वे कम टू श्रीलिंग वी हैव बालिकासी युवा बालिके स्थ यूएम बालिके स्थसी यूआं लिखथ हूयम ठीक है सो दिस इज अकॉर्डिंग टू शब्द रूप आप शब्द रूप में अब अगर देख लेंगे तो हम युवा यू यूयम तव तो यूयम यूयम यू यू युवा यू यूयम और अगर आप बालिका को देखेंगे बालिका बालिके और बालिका हम लोग देखे थे मध्यम पुरुष में और सी था थ ये हम लोग ने धातु रूप में देखा था ठीक है उसके बाद आते हैं उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष में क्या होता है अहम गायक अस्मी मैं गायक हूँ आवाम क्रीडको स्व लेखिका स्म अहम गायामी आवा क्रीड़ा वह वह लिखा तो ऐसे होता है पुलिंग में स्त्रीलिंग में अहम बालिका अस्मि अह नृत्यामी आवाम बालिके स्व आवा वयम् वालिका स्म वसा ठीक है तो दिस द थिंग्स, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो नपुंसकलिंग हो उसका धातु रूप हो या शब्द रूप हो या अहम तम का रूप हो ठीक है तो इसको मिला के जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसके कहते हैं त्र पुरुषाहा ठीक है सो आफ्टर दिस यू कैन ऑलवेज ट्राई अहेड विथ ऑल द वर्क दैट इज देयर सो दैट यू कैन गो अहेड एंड फील कंफर्टेबल ओके श्योर थैंक यू